हाय गाइस, मैं शॉन, तुम आप देख रहे टेक्निकल शॉन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमी वेटवेल का क्लोज बीटा और मैंने अपडेट आया, कुछ नया फीचर्स देखने को मिला जो कि इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एमआई वेटवेल का क्लोज बीटा रॉम में फाइनली अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है 2 वीक्स के बाद। तो अगर आप देखिए तो आपका एमआई वेटवेल 21.2.19 नाइटली बिल्ड है, जिसका कि आपको साइज देखने को मिल जाता है 252 MB। और अगर आप दे तो इसमें आपको अगर डाउनलोड करना तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से सभी सपोर्टेड डिवाइस का अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं TWRP से। और आप सभी फीचर्स जो भी आपको देखने को मिलता है आपके डिवाइस में, सभी आपको देखने को मिल जाएगा जितना भी आपको नया फीचर्स आया है। तो ऑब्वियसली अगर आपको डाउनलोड या अपडेट करना है आपका डिवाइस को तो आपको लिंक तो मिल ही जाएगा, बट अगर आपको देखना है क्या क्या नया फीचर आया तो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप देखते हो उसमें आपको सेटिंग्स में ऑप्शन देखने को मिल जाता है नया, जो कि ऑब्वियसली मतलब कि आप चाहिएगा ऐप्स का कोई भी इन्फो में तो आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफाइड अबाउट अपडेट्स रिकमेंडेशन और आपका एनालाइज थर्ड पार्टी ऐप्स प्रॉब्लम, जो कि पहले आपका ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था एनालाइज थर्ड पार्टी ऐप प्रॉब्लम। और अगर आप जाइएगा उसमें टैप कीजिएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफाइड अबाउट एरर्स। तो जैसे ही आपका एरर आएगा तो आपको नोटिफाइड कर देगा कि वो आपका प्रॉब्लम कर रहा फ़ोन को, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको ऑल इश्यूज देखने को मिल जाएगा, रिपोर्ट और सब और भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है जो कि आप डायरेक्टली अभी ट्रैक कर सकते हैं। पहले आपका ये एनालाइज का ऑप्शन नहीं था सेटिंग्स में थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए, बट अभी आपका ये ऐड कर दिया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर है जो कि बहुत जन यूज़ नहीं करने वाला है, मुझे पता है। तो अगर आप देखते हो इसमें आपको ऑल इश्यूज चेक क्रैश एरर आपको देखने को मिल जाता है, नो रिस्पॉन्ड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है नो रिस्पॉन्स का, जो कि आप डायरेक्टली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी आप थर्ड पार्टी ऐप्स का क्रैशेस और प्रॉब्लम्स को भी मतलब डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं सेटिंग से ही, जो कि आपका ये ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया लेटेस्ट एमआई वेटवेल 21.2.29 का नाइट लेवल या 19 का नाइट लेवल में। और आपको नया टाइप का जेस्चर जो पिल है वो आपको नया देखने को मिला, जो कि पहले आपका ये सही से काम नहीं करता था और पहले आपका स्मूथ नहीं होता था। तो अभी अगर आप जो जेस्चर फुल स्क्रीन इंडिकेटर है उसको अगर हाइड कर दीजिएगा तो आपका जो है लॉन्चर पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये अगर आप ट्राई कीजिएगा खुद ही डिसेबल करके तो आपको पहले से ज़्यादा मतलब कि स्मूथ देखने को ऐसे ही मिलने वाला है। और अभी आपका अपडेट करके उसको और स्मूथ कर दिया गया, तो ऑब्वियसली अभी आपका ये नया फीचर है जो कि आप जैसे ही इंडिकेटर को ऑफ कीजिएगा फुल स्क्रीन मतलब जेस्चर वाला, तो आपका जो है लॉन्चर वो आपका पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये आपका एमआई वेटवेल 5 का लेटेस्ट बिल्ड में क्या आया, जो कि ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप अगर जेस्चर चाहते हैं इंडिकेटर तो आपका मन आप थोड़ा स्लो चला लीजिए, अगर आपको इंडिकेटर नहीं चाहिए तो आप उसको डिसेबल करके मतलब कि फास्ट चला लीजिए। तो ये था एमआई वेटवेल 5 का लेटेस्ट अपडेट में। और अगर आपको चाहिए ऐप का अपडेट्स तो उसका भी आपका नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं। तो एमआई वेटवेल 5 का लेटेस्ट बिल्ड में कुछ ऐसी फीचर्स आए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर नहीं आया कि जो कि शायद आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बट आया जो भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है आपको ट्राई करना है तो जाके आप अपडेट कर सकते हैं इंस्टॉल करके TWRP से एमआई वेटवेल 5 के लेटेस्ट बिल्ड को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीकली मतलब फीचर्स और अपडेट का वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप कर सकते हैं। बेल आइकन टैप करने के बाद ऑब्वियसली वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नीचे कोई भी प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मतलब कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।